तो सो नहीं पाएगी ढंग से। अच्छा, ये दो टैबलेट्स हैं, बस यही देनी है, ठीक है प्राची? और रात को आपको अच्छे से सोना है। पुलिस ने बलबीरा को अरेस्ट कर लिया है, उसे जेल लेकर जा रहे हैं। क्या? नहीं नहीं, आप घबराइए मत, वो एक्चुअली बलबीरा एक क्रिमिनल है, उसको पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। बट नथिंग टू वरी अबाउट, आपको मैं छोड़ देता हूँ एंड मैं आप लोगों को भी छोड़ देता हूँ घर। रास्ते में वापस आते हुए प्राची की जो दवाइयाँ हैं वो खरीद लूंगा। अब नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं मंगवा लूंगी दवाई। नहीं, तुम नहीं मंगवाओगी, तुम्हें जो करना है अपने लिए वो कल से करना, लेकिन आज वो करो जो मैं कह रहा हूँ। पर मैं... नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने मना किया था ना तुम्हें, हाँ आज तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। मैं तुम्हें भरोसा कर ही नहीं सकता, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना तुम अपना ख्याल तो रखोगी नहीं, जैसे क्लियरली दिख रहा है मुझे। तो प्लीज आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं आज रात यहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, है ना? रणबीर बिल्कुल सही कह रहा है, ये अपना ख्याल रखेगी, भरोसा ही नहीं है मुझे इस पर। बिल्कुल नहीं, रणबीर यहीं रहेगा और तू आराम कर, समझी? थैंक यू डॉक्टर। और प्राची, रणबीर यहीं रुक रहा है तेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन तू भी अपना ख्याल रख। रेस्ट वेल प्राची, ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स हमें यहाँ बुलाने के लिए। चले, मैं आप लोगों को छोड़ दे रही। ठीक है, बाय। ऐसे क्या देख रही है मुझे? अब जो पूछना है ना तो रणबीर से ही पूछना, वो तेरी अभी भी उतनी केयर करता है। क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? पर क्यों और क्या हुआ आंटी? दीदा आप लोग परेशान दिख रहे हैं, और केक क्यों नहीं कट किया? बलबीरा याद है तुम्हें? बलबीरा खुशी की बर्थडे पार्टी में घुस आया था, उसने प्राची को जान से मारने की कोशिश की। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हम नीचे थे और ये तो अच्छा हुआ कि शाना ने रणबीर को भेजा कुछ काम के लिए। रणबीर प्राची को देखने किचन में गया, वहाँ किचन की हालत देखकर उसे उसे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कुछ गलत हुआ है। और फिर जब हमने ध्यान से देखा तो हमें लगा कि प्राची की जान खतरे में। रिया बलबीरा ने प्राची को पानी की टंकी में डाल दिया। बड़ी मुश्किल से रणबीर ने प्राची की जान बचाई है। प्राची की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए रणबीर वहाँ रुक गया है ताकि प्राची को जरूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प कर सके। शुक्र है भगवान जी का कि रणबीर प्राची के पास रुक गया। अगर वो यहाँ आया होता ना तो मैं उसे बोलती कि जाओ प्राची के पास वापस जाओ, और अगर मना करता तो जबरदस्ती उसे प्राची के पास भेजती। पर थैंक गॉड वो प्राची के पास है। पर प्राची, दीदा, आंटी बताइए ना, प्राची ठीक है ना? मैं उसे मिलने क्या जा सकती हूँ? रिया, प्राची बिल्कुल ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी। और सुनो, प्राची से मिलने के लिए यू डोंट हैव टू आस्क अस, तुम्हें हमारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, बहन है ना तुम्हारी, तुम जब चाहे मिलने जा सकती हो उसे। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी आप दोनों आप प्लीज जाइए ना, आराम कीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, प्लीज। हाँ बेटा। नहीं पर ऐसा क्यों होगा मुझे, हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? और आप इतने शोर कैसे हो सकते कि मेरे साथ ऐसा होगा? क्योंकि मैं आलिया हूँ, रिया नहीं हूँ। दुनिया सिर्फ घूमी नहीं है, देखी भी है, यहाँ से ही नहीं यहाँ से भी, और जो मैं कह रही हूँ ना वैसा ही होगा। माय वर्ड्स। तुम्हें क्या लग रहा है हा? कि रणबीर वहाँ क्यों रुका? वो इसलिए वहाँ रुका है क्योंकि प्राची को उसकी जरूरत है। नहीं, वो इसीलिए वहाँ पर रुका है क्योंकि उसके दिल में प्राची के लिए फिर से प्यार जाग उठा है। He is falling in love with प्राची, damn it! और तुम्हें ये बात देख नहीं रही? अरे आज तो वो वहाँ पर रुका है, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो कल सुबह कितने बजे वापस आएगा? 7, 8, 9, 10, अरे 11 बजे भी वापस आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, देखना सब कुछ करके आएगा वो। मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग टी, एवरीथिंग। जस्ट स्टॉप दिस बूजी, जस्ट स्टॉप इट।
आप ये सब बोल के मुझे परेशान क्यों कर रही हैं? मुझे सुकून चाहिए था, सुकून। ये सब बोल के आप मेरा सुकून छीन रही हैं। Actually, you know what? सारी गलती मेरी है, मुझे ही आपके पास नहीं आना चाहिए, मुझे ही आपको कॉल नहीं करना चाहिए था। It's my bloody fault. मुझे लगा था कि मुझे यहाँ शांति मिलेगी। नहीं, not a word. कुछ मत बोलना, मुझे कुछ नहीं सुनना, आपकी बात बिल्कुल नहीं। और मैं लोगों की तरह दिखावा भी नहीं करती कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ब्रेव हूँ। कमाल है, 3:30 बजे तुम्हारे अंदर इतनी सा अरे अरे बैठो चुपचाप, तुम रहने दो, मैं खुद लगा लूंगा, तुम दो मुझे। लगा लोगे? हाँ। मुझे लगा था तुम लगा लोगे, पर लगाया तो नहीं। लगने से कुछ नहीं होता, लगाना पड़ता, इसलिए मैं लगा रही हूँ, लगता रहेगा तुम्हें कुछ। इतना लगाया हो, तुम कुछ इतना नहीं। क्यों बोल रही हो चिकचिकी, तुम बदलती क्यों नहीं हो? चिक 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 चिक। मैं नहीं बदली, तुम नहीं बदले। मुझे चिकचिकी बुला रहे हो, खुद क्या करते हो? कब से बोले ही जा रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम डांट के मुझे ठीक कर दोगी? अगर तुम्हें ठीक करना है तो करो, डांटो मत प्लीज। मैं रात को सा डांट नहीं खाना चाहता। नहीं डांट रही, चुपचाप यहाँ बैठो। ओके। और बकबक मत करो, मैं बता रही हूँ। ये तो इतनी लगी है। मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको। थैंक्स, अब मैं सो जाता हूं, यानी सोफे पे मैं रहूंगा। थैंक यू। लगता है जैसे मुझको खुदा मिल। प्राची रुको, तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। धड़कन को मेरी अब जिंदगी का जैसे पता मिल गया। तुम कितनी सुंदर हो यार। मुझे यार मत बुला। प्राची, प्राची की एंट्री प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब मेरे प्यार को प्राची से कम उस खुशी से ज्यादा खतरा है। जी वो खुशी, प्राची रणबीर की अपनी औलाद है, वो उनकी पंछी है। What? Yeah, that's right, बूजी, वो खुशी उनका अपना खून है, उनका अपना अंश है, और वो कब तक अपने अंश से दूर रहेंगे? उस खुशी की वजह से मुझे रणबीर और प्राची और करीब आ जाएंगे।
And then there'll be emotions everywhere. उसके बाद प्रैक्टिकल बातें शुरू हो जाएंगी कि एक बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है, तो फिर क्या होना चाहिए? वो फिर से शादी करेंगे और मैं नो 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 ऐसा नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। रणबीर और प्राची के बीच में जो प्यार था, जो लगाव था, जो सालों पहले मैं तोड़ चुकी थी, मैं दोबारा उसे जुड़ने नहीं दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हम कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा करेंगे इस बार। तुम कल रात को 9 बजे मुझे मिलना, सुन रही हो? तुम मुझे कल रात को 9 बजे मिलना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या बड़ा करना है, क्या बड़ा सोचा है मैंने। Got it? कैसी हो प्राची? ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते दादी। जी तेरा। हाय। हाय। रिया बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और आप? मैं बिल्कुल ठीक। हाय शाहना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ रिया, तुम कैसी हो? अच्छी। एक्चुअली कल जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो मम्मी का कंगन जो है वो यहाँ पे रह गया था। वैसे अगर नॉर्मल कंगन होता तो हम नहीं आते, बट बहुत स्पेशल कंगन है, दीदा मंदिर से लेके आई थी मम्मी के लिए, तो हम वही ढूंढने आए। कहाँ गिरा कंगन? अगर घर में होगा तो मिल जाएगा, हम ढूंढते हैं ना। कुछ आइडिया आपको कहाँ गिरा होगा? हाँ, वो मैं गेस्ट रूम में गई थी, वहाँ हाथ पोंछ रही थी, हो सकता है वहीं गिर गया हो। उसका वो स्क्रू थोड़ा सा ढीला था, तो कहीं भी अटक के गिर सकता है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए, मैं एक बार चेक कर ची। रिया, मैं उस तरफ देख कर आती हूँ। हमारे यहाँ हमने एक बास्केट रखी है, और सर्वेंट्स को कोई भी लावारिस चीज, मेरा मतलब कोई भी ऐसी नई चीज दिखती है ना कि जो हमारे घर की नहीं है, वो जाके उस बास्केट में रख देते। मैं भी देख कर आती हूँ। तुम ठीक हो? यस, ठीक हूँ। आज जब मैं घर पहुंचा तो काफी लेट हो गया था, तो रिया थोड़ा स्ट्रेस में आ गई थी। मैं समझ रही हूँ जो कह रहे हो। कल रात रुकना नहीं चाहिए था तुम्हें, क्योंकि अब तो तुम रिया के बस। अब मॉम को अपना कंगन मिल जाए और हम यहां से जल्दी निकल जाएं। अब अजीब लग रहा है यहां पे। सॉरी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी पलट के जवाब नहीं दिए। आपने जो कहा सब मान ली, पर ये बात नहीं मानूंगी। आई एम सो सॉरी प्राची, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अब तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, और मेरे परिवार की खुशियां तो मैं तुम्हें कभी छीनने नहीं दूंगा। इतने सालों बाद हमारी जिंदगी में खुशी आई है, और तुम इसे भी छीनना चाहती हो हमसे? किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे प्राची? ये सिला दे रही हो तुम मेरे प्यार का? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी खुशी दी नहीं। तुमने मुझे छोटी छोटी खुशियों के लिए हमेशा बहुत तड़पाया है। हाँ, मुझे तुमसे छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए तुमसे लड़ना पड़ता था, तुमसे झगड़ना पड़ता था, तब जाके मुझे छोटी खुशी मिली थी। अब ये खुशी मिल रही है, वो भी तुम छीन रही हो मुझसे। रणबीर, ये क्या कर रहे हो? रिलैक्स, काम डाउन, बहुत हो गया। अभी नहीं हुआ है बहुत, अभी बहुत होगा। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा चैन छीन लिया, मेरा सुकून छीन लिया, मेरी जिंदगी छीन ली, लेकिन मैं तुम्हें अपने परिवार की खुशी छीन नहीं।
हमारा फैसला आप लोगों ने सुन ही लिया है। आई होप ये बात बहुत क्लियरली आप लोगों की समझ में आ गई है। खुशी को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। पाल लो खुशी या गलत फहमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फैसला अच्छे से सुन के जा रहे हो। कोई फायदा नहीं, हमने भी फैसला कर लिया है। चलिए मम्मी, चलिए। चिंता मत कर, तू कमजोर मत पड़, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। खुशी तेरी है और तेरी रहेगी। एक दिन अगर अचानक प्राची का दिमाग खराब हो गया और खुशी को लेकर कहीं चली गई तो जैसे पिछली बार गायब हो गई थी। हमारा परिवार टूट के बिखर गया। रणबीर की हालत मुझसे पूछिए, सोता नहीं था वो, क्योंकि उसे कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि प्राची जिंदा नहीं है। एक बार सुबह का नहीं जिया है। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे प्राची? तो ठीक, अगर तुम यही चाहती हो कि खुशी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए, इस घर में वापस आ जाए, तो बिल्कुल ऐसा ही हो। और अगर ये तुम्हारी इकलौती चाहत है ना, तो मैं इस चाहत को पूरा करूंगा। आई प्रॉमिस यू। प्राची, जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है अक्षय, ये दुनिया के बड़े से बड़े आदमी को जानता है, और जाने अनजाने ना जाने कितने लोगों पर मैंने बहुत एहसान करे। प्राची, कोई तो ऐसा होगा जो एहसान चुकाने के बदले हमें खुशी को अडॉप्ट करने में हमारी हेल्प कर सके। पर प्राची, मैं अभी भी कहूंगा, सिर्फ एक बार उन लोगों से बात करके देखो, अगर वो बात समझते हैं तो ठीक है, पर ना एक दिन, सिर्फ एक दिन प्राची, एंड आई प्रॉमिस यू, एक दिन के अंदर खुशी तुम्हारे पास आ पाएगी। कि मेरा वादा है तुमसे। नहीं, रणबीर, तू प्राची को फोन नहीं करेगा। अरे तू क्यों सोच रहा है सब कुछ? उन लोगों ने भी कुछ कम कहा था क्या? और रणबीर, अगर तू यहाँ पे इस तरह से सोच रहा है तो प्राची भी तो वहां सोच सकती है ना ऐसे, उसे कॉल करने दे। वही तो, तुझे क्या पड़ी है? मुझे ना उसकी नहीं पड़ी, मुझे एक्चुअली अपने किए की पड़ी है। आप लोगों ने जो बोला ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने गुस्से में ना उसको बहुत चीजें बोल दी, तो मेरा कॉल करना उसको बनता है। हेलो, व्हाट? ओके, थैंक यू। क्या हुआ रिया, क्या बात है? वो एक्चुअली अनाथ आश्रम से फोन आया था। कल मैं एक वर्कर से मिली थी और बात करते करते मैंने उसे सब कुछ बता दिया। आई जस्ट कुडंट हेल्प माइसेल्फ, मैं इमोशनल हो गई थी। I'm sorry. वो बता रही थी कि प्राची अनाथ आश्रम गई है। पाल लो खुशी या गलत फहमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फैसला अच्छे से सुन के जा रहे हो। ऑफ कोर्स प्राची वहां अनाथ आश्रम गई है। तू देख रहा है रणबीर, तू देख रहा है वो क्या कर रही है। तू यहाँ उसकी अच्छाई कर रहा है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और तू अपनी गलती मान रहा है। और वो क्या कर रही है, तू देख रहा है? Can you believe her? वो अनाथ आश्रम पहुंच गई है खुशी को लेने। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। I will not let that happen. मम्मी, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी थोड़ी चली गई होगी वो एकदम से। आई थिंक आप गलत समझ रहे हैं प्राची को, ऐसा नहीं किया होगा उसने। नहीं रणबीर, तेरी मॉम सही कह रही है। तू सबके बारे में अच्छा सोचता है तो जरूरी नहीं है कि सब ऐसे ही सोचे। But that, प्राची, प्राची भी, प्राची तेरी तरह सोचे, तेरी तरह अच्छा सोचे, ये जरूरी नहीं है। और रणबीर, मैं तुझे बता रहा हूँ, इतना अंधविश्वास भी अच्छा नहीं है। जिस तरह से आंखें बंद करके तू प्राची पे भरोसा करता है ना, एक दिन तेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि तू हमेशा के लिए खुशी को खो दे। रणबीर, भगवान ने दोबारा तेरी बच्ची तेरे पास भेजी है, अब तू खुद उसे दोबारा दूर कर देगा, समझा?
सही कह रहे हैं आप लोग, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं प्राची को खुशी को लेके जाने नहीं दूंगा। एक बार पहले मैं खुशी को खो चुका हूँ, लेकिन इस बार फिर से नहीं। मैं जाता हूँ और देख के आता हूँ कि प्राची क्या कर रही है। वैसा राइट, मैं अभी आई। जो भी है कल आना, आश्रम बंद हो गया है। हाँ शानापुर। प्राची तू खुशी से मिली? तूने उसे बताया कि तू उसे घर लेकर आ रही है? बताना उसने कैसे रिया किया। वो ना खुशी से पागली हो गई होगी ना। मुझे पता था जब तू उसे बताएगी वो। नहीं मैं लेट हो गई शाना, मैं लेट हो गई, आश्रम बंद हो गया। तू उससे मिली? नहीं मिल पाई। मुझे मिलना था उससे, मुझे उसे गले लगाना था, उसकी आंखों में देखना था और बोलना था कि खुशी मैं आपको ले जाऊंगी यहाँ से। दोबारा आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आप मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में रहोगे। मैं माँ हूँ आपकी। आपको कभी अकेला नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी। मुझे उसे बताना था कि खुशी आप पंछी हो, आपकी मैं असली माँ हूँ। मैंने आपको जन्म दिया है। ये सब बोलना था मुझे सब बोलना था। पर प्राची देख, तू ऐसा रो मत प्लीज। रोना नहीं है क्योंकि हाँ प्राची आपकी माँ। क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं। प्राची देख, तू ना इधर उधर बिल्कुल मत भटकना, तू चुपचाप घर आ जा प्लीज। रोना बिल्कुल नहीं। देख भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ दरवाजा खुल रहा है, शायद मैं खुशी के पास जा सकती हूँ, उससे मिल सकती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं कर रहा। ये क्या कर? मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी त्वचा बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत ज्यादा। यार फिर से यार बोला तुमने। सॉरी, वो एक्चुअली मैं थोड़ा तुम्हारी त्वचा में खो गया था। ये खोने का टाइम नहीं है रणबीर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऑफ कोर्स मैं देख सकता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन इसका यही मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे छू नहीं सकता, ऐसे टच नहीं कर सकता। तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें ऐसे छूता रहूंगा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है। पता क्या होगा उसके बाद? क्या होगा? उसके बाद तुम्हें बहुत खुशी होगी, और अगर तुम बहुत ज्यादा खुश होगी तो उससे क्या होगा? क्या होगा? उससे तुम ग्लो करो। मतलब ऐसा नहीं है तुम अभी ग्लो नहीं कर रही हो, तुम बहुत ग्लो कर रही हो, लेकिन तुम ना ऐसे कॉन्स्टेंटली जिंदगी भर ग्लो करती रहो। और जब तुम्हें बहुत सारा प्यार मिल जाएगा ना, उसके बाद तुम्हें जो सारा प्यार है वो यहाँ पे यहाँ समेट लोगे। वैसे एक और रीजन मैं सब करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी छोटी सी पंछी को पता चले कि उसकी मम्मी से कितना प्यार करता हूँ, कितना ज्यादा। और मैं कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा उसकी मम्मी को। तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, प्यार करता हूँ, मुझे सब पता है, सारी बहाने पास आने के। वाओ, तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो। मतलब जो मैं सारी एक्टिंग करता हूँ तुम्हारे सामने किसी काम के लिए। वैसे सच बताऊं तो मैं नेचुरली करता हूँ सर, मेरे अंदर से ना तुम्हारे लिए ऐसे प्यार आता रहता है। तो मुझे लगता है मैं तुम्हें हर वक्त ये बताऊं कि देख अक्षय आया है और कब से यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, लेकिन हमें गुड न्यूज नहीं बता रहा है। यस गुड न्यूज, और वही गुड न्यूज बताने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने अक्षय से कई बार कहा कि गुड न्यूज बता दे, लेकिन ये कह रहा था कि बस सबसे पहले गुड न्यूज तुझे ही बताए। अंकल गुड न्यूज तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आप लोग सब इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है घर में? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम बताओ ना मुझे गुड न्यूज क्या है तुम्हारी। अब तो मैं आ भी गया तो। अरे बाबा बताता हूँ, लेकिन बताने से पहले एटलीस्ट मुझे ये तो बताने दो कि जो गुड न्यूज है वो मैं सबसे पहले तुम्हें क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने मेरी इतनी मदद की थी प्राची को प्रपोज करने में। भूल गए क्या? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द गुड न्यूज, इन फैक्ट द ग्रेट न्यूज इज कि प्राची और मैं शादी कर रहे हैं। यस यू हर्ड इट राइट, प्राची और मैं शादी कर रहे हैं, और मैं ना यहां तुम्हें इनवाइट करने आया। अब तुमने प्राची को प्रपोज करने में मेरी हेल्प की, तो अब शादी भी तुम ही करवाओगे ना? रिलैक्स यार, मजाक कर रहा हूं, शादी तो पंडित जी करवाएंगे, बट तुम्हें शादी में आना है। और पता है अगर तुम नहीं होते तो प्राची मेरी जिंदगी में कभी नहीं आती, राइट? इनफैक्ट आप सब लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी, क्योंकि आप सबके सामने मैंने प्राची को प्रपोज किया और अब वो मान गई। एंड गेस व्हाट, हम लोग शादी कर रहे हैं, वो भी कल। कल
जी इतनी जल्दी? अरे दीदा जल्दी कहाँ, बहुत टाइम लग गया। इतने सालों से प्राची को प्रपोज करा था बट फाइनली उसने हाँ कर दी। हाँ एक बात आप बिल्कुल सही कह रही है कि शादी बहुत बहुत जल्दी हो रही है, मतलब कल, तो उसका एक रीजन है। एक्चुअली प्राची चाहती है कि उसकी जो बेटी खुशी उसकी कस्टडी उसको मिले। और उसका जो वो एक्स है एक्चुअली वो भी चाहता है कि उसको उस खुशी की कस्टडी मिल जाए। पता नहीं किस लिए जिद पे अड़ा हुआ है लेकिन हाँ यही रीजन है जिसकी वजह से प्राची और मेरी शादी कल हो रही है। इन दैट केस शादी बहुत जल्दी हो रही है और आप सबको शादी में आना होगा, समझे तुम? लेकिन अक्षय हम कल कैसे आ पाएंगे? क्यों? वो एक्चुअली मेरी और रणवीर की भी कल शादी है। What? मुझे डर है कि जैसा मेरा दिल तोड़ा मेरी बच्ची का भी दिल तोड़ देगा, जैसे मेरा विश्वास तोड़ा मेरी बच्ची का भी विश्वास तोड़ देगा, जो मैं नहीं चाहती जिस दौर से मैं गुजरी हूँ मेरी बच्ची गुजरे। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची का दिल टूटे, समझ रही है तू? इसीलिए नहीं कर सकती उससे शादी। प्राची देख तू भी शांत हो जा, इस बारे में ना आराम से बैठ के बात करेंगे, अभी भी वक्त बचा है, बारात आई नहीं है। प्राची तू ये शादी तोड़ दे, कैंसिल कर दे शादी, प्लीज कैंसिल कर दे शादी। बारात आ गई। लो जी आ गई बारात, अब मैं लड़के वाला हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, लड़के के साथ ही वापस आऊंगा। मेरा स्वागत अच्छे से करना। हाँ बहुत अच्छे से होगा आपका स्वागत समधी जी। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ जाइए बेटा, एक काम करो प्राची दीदी के पास जाओ और उनसे कहना बारात आ गई, ठीक है? जाओ। अच्छा रुक जा मैं ही जाके बोलती हूँ, जाओ तुम खेलो। शादी कैंसिल? क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है तू पागल हो गई है? कुछ देर में मेरी शादी है। हाँ तो प्राची हुई तो नहीं है ना, फर्क है? अभी शादी नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है, एक बार शादी होगी तो सब खत्म। अच्छा मैं अभी भी कह रही हूँ कि तू शब्दों से बेवकूफ मत बन। वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। रणबीर जो बोल रहा है वो मत दे, रणबीर जो कर रहा है वो दे। उसने तेरी जान बचाई, तुझे मरने से बचाया, और क्या सबूत चाहिए तुझे उसके प्यार का? प्राची हो सकता है उसने ये बात शायद तुझे इसलिए ना बताई हो, शायद वो भी वही फील कर रहा हो जो तू फील कर रही है। अच्छा क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है। रिया को लेके तुझे भी लग रहा था ना, तो वैसे रणबीर को भी लग रहा होगा कि अक्षय ने तुझे प्रपोज किया है, शायद तू उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है, इसलिए उसने तुझसे ये न्यूज शेयर नहीं की होगी। प्राची तू कोशिश कर और समझ, रणबीर भी उसी डर से गुजर रहा है जिस डर से तू गुजर रही। आज ऑनेस्टली एक बात बोलू, तुम दोनों ना बहुत सेल्फिश स्वार्थी, दोनों अपनी अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो अपनी बेटी के साथ, लेकिन उस बेटी का क्या? उसकी खुशी के बारे में किसी ने सोचा कि उसे कौन चाहिए? उसे तुम दोनों चाहिए। उसे अपने दोनों माँ बाप चाहिए, उसे दोनों मम्मा पापा चाहिए। प्राची अगर खुशी किसी भी एक के पास रही तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। रणबीर भी ना अपना फोन इधर ही भूल गया। प्राची का फोन। हेलो प्राची, श्रिया एक्चुअली प्राची वो रणबीर अपना फोन इधर ही भूल गया मेरे पास। वो क्या है ना, सबको जितनी जल्दबाजी में हो रहा है यू वोंट बिलीव, तीन बार तो मेरे रूम में आ चुका है। एक बार पल्लवी आंटी ने जो कपड़े दिए थे उसको देने, फिर दूसरी बार ज्वेलरी, और ओह माय गॉड आई एम सो सॉरी प्राची, मैंने तो तुम्हें कंग्रेचुलेशंस ही नहीं बोला शादी के लिए। तो मेरी प्यारी बहन कंग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। और हाँ आई एम रियली सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी, वो मेरी और रणबीर की भी शादी हो रही है ना, सेम मुहूर्त पर। पर प्राची मैं अपनी खुशी अपनी हैप्पीनेस से तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ ना,
प्राची, यू नो व्हाट, रणबीर ने मुझे शादी के लिए जैसे प्रपोज किया ना, क्या बताओ, एक्चुअली वो पूछ नहीं रहा था, ही वाज लिटरली बेगिंग, घिड़घिड़ा रहा था। प्राची, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ हाँ, अरे तुम मुझे भी तो कंग्रेचुलेशंस बोलो, मेरी भी तो शादी हो रही है और मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए। हाँ, कंग्रेचुलेशंस रिया, मैं रखती हूँ। थैंक यू। मैंने झूठ तो बोल दिया, पर प्राची और रणबीर को कोई शक नहीं होना चाहिए। एक काम करती हूँ, रणबीर को बता देती हूँ प्राची का फोन आया था। चली जाओ यहाँ से। और हमारी जिंदगी में आना बंद कर दो आप। प्राची और रणबीर अलग हो चुके हैं और वो लोग एक कभी नहीं हो सकते। और प्राची इस घर में कभी नहीं आएगी। और अब तुम भी ये कोशिश करना बंद कर दो। कोई कुछ भी कहे, लेकिन रणबीर प्राची अब सिर्फ कुमकुम भाग्य से नहीं, खुशी के भी भाग्य से जुड़े। ये मैं जानती हूँ, रणबीर और प्राची जानते कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे। निकलो, निकलो मेरे घर से। गई थी बताना जरूरी नहीं था, तेरी शक्ल दिखा रही कि तू कहां गई थी, यही चेहरा लेके जाना था। हाँ, गलत किया तूने, बहुत गलत किया। मैं क्या कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ या सही? ये देख, मिसेस कुणाल रणबीर की शादी अटेंड कर रही, उन्होंने वीडियो भेजा है, देख। अब कुछ सोचना है, पूछना है? नहीं ना, बस अब प्राची की शादी पर ध्यान ले। हाँ बोलो। शादी अच्छे से हो रही है? मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ। Yes, प्राची और अक्षय की शादी, ये हुई ना बात। जो होगा ना वो हम देख लेंगे। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? हिम्मत तो बहुत है दीदा, लेकिन आप ये नहीं पूछना चाहते हैं कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं इस घर में कैसे आई। आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने आपके पोते पर हाथ उठाया। राइट? मेरी रिया, मुझे नहीं पता आप कौन है, तो प्लीज मेरा नाम भी मत लेना अपने मुंह से। मैंने आपको इनवाइट नहीं किया। आपने जो पास में हम सब के साथ किया है उसके बाद इनवाइट करना तो दूर की बात है, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है आपसे। दूर
चुका है रिश्ता आपसे, समझिए आप। गॉड, क्या आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं यहाँ क्यों आई? आप लोग क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं मैं जानती हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू ऑल, आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, जो करना है करिए, आई डोंट केयर। क्या इल्जाम था मुझ पर हाँ कि मैंने प्राची और उसकी बेटी को मारा? अरे उसकी बेटी और प्राची तो इसी धरती पर घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। तो मुझ पर जो इल्जाम लगे थे वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। मैं कल्प्रिट नहीं हूं, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। और क्या कह रहे थे आप लोग कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं यहाँ पर आऊंगी क्योंकि मेरी रिया की शादी अपने प्यार से हो रही है। इस लड़की ने पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी उसके लिए, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगी? रिश्ते निभाने आते हैं, मुझे आप लोगों की तरह नहीं हूँ, रिश्ते कंट्रोल नहीं कर पाते। अरे अपने रणबीर को तो कंट्रोल नहीं कर पाए, ये दूसरी बार है विक्रम जो रिया को ऐसे मंडप पर छोड़ कर गया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? डोरमैट है मेरी रिया, और आप जीता क्या कहती रहती हैं आप कि मेरा पोता ऐसा है, मेरा पोता महान है, माय फर्स्ट। हरकतें देखी है आपने अपने पोते की, लड़की को मंडप पर छोड़कर चला गया। अरे शरण के मारे आपकी आंखें झुक जानी चाहिए। बोलो रणबीर, और क्या वजह है, किस वजह की बात कर रहे हो तुम? क्यों शादी नहीं करूं मैं अक्षय के साथ, बोलो। तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मुझे जवाब चाहिए। जवाब जानती हो? नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सवाल जिसका जवाब मैं तुमसे चाहती हूँ। नहीं प्राची, अपने मन से पूछो, तुम्हें जवाब पता है। जो भी जानती हूँ जो भी नहीं जानती सुनना तो तुमसे ही। बोलो रणबीर, क्या वजह है, क्यों नहीं चाहती है शादी हो? बोलो बोलो, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जो मिल गए तो खुदा मिल गया, आज को मेरे तेरा साया मिल गया, तेरी थी कमी वो पूरी हो गई, रब रब से मिला एक आया बन गए ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। Yes, I love you। तुम्हें 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 दिखाई नहीं देता, मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता, मेरे दिल में दिखाई नहीं देता, मेरी आत्मा में दिखाई नहीं देता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। I love you, Prachi.